अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अयान पिजन। सो गाइज, अभी शाम का टाइम हो चुका है तो मैं फटाक से आया छत पर अपने कबूतरों को खोलने के लिए। और यहाँ पर चेक करो गाइज, अपने मैंने सारे कबूतर खोल दिए माशाल्लाह से, सारे अपने कबूतर ओके फिर रहे हैं। और पानी भी रख दिया मैंने इनको, दाना भी रख दिया, कुछ कबूतरों ने खा भी लिया। और ठंड तो गाइज हो ही रही है काफ़ी ज़्यादा, हल्की सी गाइज धूप निकली थी। और यहाँ पर हमारे जैद भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने जला रखी है आग, तो यहाँ पर हम जो है ताप रहे थे। ये चेक करो, यहाँ पर बढ़िया मस्त आग जल रही है और जैद भाई जो है अपना लकड़ी तोड़ तोड़ कर यहाँ पर रख रहे हैं सेकने के लिए। सारे कबूतर माशाल्लाह से हमने खोल रखे हैं गाइस। और आपने टाइटल एंड थंबनेल तो देख ही लिया होगा, जो हमने गाइस रात में कबूतर पकड़ा था ना, उसको हमने आज जो है आज़ाद कर दिया है माशाल्लाह से। उसके पर भी थोड़े थोड़े से ख़राब ख़राब से थे, फिलहाल हमने आज़ाद कर दिया। देखते हैं यार, कबूतर तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, अच्छा है। और अपने पड़ोसी जो है ना, उनसे भी हमारी पकड़ चलती है, तो यार उनके भी जा सकता है, कुछ पता नहीं। उनका हमारा कबूतर एकदम गिरता है, क्योंकि हमारी छत और उनकी छत देखो बिल्कुल सेम सेम लगती है। तो ये रहा गाइज़ वो कबूतर। अब इधर हालांकि इसका पैर नहीं लगा है, फिर भी आप ये चेक करो, बिल्कुल गाइज़ ओके, जरा सी देर में ऊपर चला जाता है ये। आसमान बंद हो गया था सुबह भी, ये सुबह मैंने इसका पंख खोले थे ना, मगर गाइज़ सीधा आकर अपनी छत पर ही उतरा। तो अभी शाम का टाइम मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कराया। और ये जो अपना पैर है, इसको ना गाइज़ हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया था ताकि इनका पैर लग जाए। और माशाल्लाह से मैं आज ही इनको नीचे लेकर आया, और आज इनका जो है पैर बिल्कुल पक्का लग चुका है इसके। यार मुझे लाल के पैर में कुछ लग रहा है, मतलब पैर में नहीं, पैर के अंदर इसके, मतलब पैर जो है ना इनकी उंगली है, लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ फंस रहा है। तो उसको भी पकड़ते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या है। तो गाइस बाल अटक रहा था, मैंने निकाल दिया है। बाकी फ़िलहाल ये बैठा अपना कबूतर, और अपने पड़ोस के भी कबूतर खुल रहे हैं, तो देखते हैं भाई अपने कबूतर भी ये बैठे हुए। ये उड़ गया उड़ गया उड़ गया, पर हल्का हल्के से इसका ख़राब है हालाँकि, मगर फिर भी गाइस बहुत अच्छा उड़ कर आया है सुबह। और जिस हम लगा रहे हैं, इसकी फ़ीमेल अभी अंदर जा चुकी है। फिलहाल अभी चलते अंदर और देखते हैं अंदर क्या सीन चल रहा है भाई। जैसे ही गाइस सुबह मैंने उड़ाया ना इसको, वैसे ही गाइस मैंने अपना ये मंद्रासी कबूतर भी उड़ा दिया था ताकि ये कहीं ना हिले। और माशाल्लाह से मंद्रासी कबूतर भी इसके साथ ही उड़कर आया, कहीं नहीं गया मंद्रासी कबूतर की वजह से ये कबूतर। ये देखो ये गया अपना मंद्रासी। और गाइस जो हमारे ये मंद्रासी के बच्चे निकले थे ना, बिल्कुल ओके है माशाल्लाह से। और ये वाले जो अपने बड़े बच्चे, ये भी ओके। अरे एक बच्चा कहाँ चला गया, शायद नीचे इसमें भी नहीं है, किधर चला गया भाई। ये बेटा ये इधर वाले खाने में आ गया, ऊपर जाओ ऊपर ऊपर ऊपर। ये गाइस नीचे कूदने लगा है यार, छोटा सा ही बच्चा है अभी, और ये नीचे जो है कूद रहा है। दोनों बेबी यार बिल्कुल सेफ है। देखूंगा तो यार जुनैद भाई से पूछ के देख लूँगा मैं, अगर हैंड टेम के लिए इन दोनों में से कोई सा बेबी देंगे ना तो ले लूँगा, फ़िलहाल तो मुझे लगता है देंगे नहीं। और ये जो है अपने चार अंडों पर बैठी हुई है, क्योंकि गाइस दो अंडे इसके और दो अंडे जो कि हमारे मुखी कबूतर नहीं सेक रहा था, हमने यहाँ से उठा के इसमें रख दिए थे। देखते हैं भाई क्या बच्चे निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं। और ये देखो तीन कबूतर अंदर बैठे हुए हैं, ये एक फ़ीमेल है जिससे हम लगा रहे हैं वाइट वाली, और ये हमारी कमग्गर की फ़ीमेल है। ये चेक करो भाई, बहुत बढ़िया फ़ीमेल है ये भी, ये इसको छोड़ा मैंने। और ये चेक करो भाई कैसे वो पीछे पीछे भाग रहा है, मैंने आपको बताया था ना आज इनका पैर लग चुका है। मैंने नीचे लाकर छोड़ा ना, जैसे ही मुझे लग रहा था ऊपर कि इनका पैर लग गया, तो मैंने नीचे लाकर छोड़ दिया इनको, और माशाल्लाह से कन्फर्म हो गया कि इनका पैर लग चुका है। और अपने कबूतर देखो माशाल्लाह से सारे ओके बैठे हुए हैं। छत भी गंदी हो गई थी, हमने छत भी बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी है, और न्यू कबूतर के पंख भी खोल दिए हैं। अब गाइस देखना ये होगा कि ये कबूतर मजबूत तो बहुत है, अपनी छत पर रुक पाता है या फिर गाइस नहीं रुक पाता है। क्योंकि जिस टाइम पर हमने इसको पकड़ा था ना गाइस, रात में ही उड़ गया था, मगर रात में गाइस वापस से अपनी छत पर ही आकर बैठा था। और ये भी गाइस हो गया कि हमने इस कबूतर को उड़ाया और यार ये उड़ के अपनी छत पर ही रिटर्न आ गया, ऐसा होया नहीं ज़्यादातर, तो कम ही होता है कि यार उड़ाकर आ गया, नहीं तो हम एक दिन में तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिलहाल हमने इसके सुबह ही खोले पर, और सुबह ही उड़ के भी वापस आ गया, तो मुझे लगता तो नहीं है कहीं और जाएगा, मगर यार अपने पड़ोस में ज़रूर जा सकता है। ये उड़ गया, ये उड़ गया है, बहुत प्यारा गाइस, ये बिल्कुल ब्यूटीफुल सा कबूतर है माशाल्लाह। और गाइस मैं लाल वाला जोड़ा तो नीचे ही लेकर आ गया, मगर इसकी बदली मैंने एक न्यू पेयर ऊपर शिफ्ट करा है अभी, क्योंकि यार जो अपना मुखी ना रहे ना, मुखी वाला कराया मैंने, वो यार वो वाइट फीमेल से पेयर लगा रहा है, वो पेयर बिल्कुल गाइस अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसका जो है पेयर ना इसके जैसी फ़ीमेल पर अच्छा लगेगा जो इसकी तरह उड़ान की हो, थोड़ी मोड़ी फैंसी भी ना हो। ये चेक करो, ये अपना मुखी ना रहे, आपसी भाई ने देखा ही होगा, ये टूर्नामेंट में भी गाइस ये जो है बहुत अच्छा उड़ कर आया था, एक बज के कुछ मिनट पे गिरा था ये। और इससे हम फीमेल लगा रहे हैं ये वाली कलसीरी, तो इनका पेयर यार लग भी चुका था, इन्होंने अंडे भी दे दिए थे जो कि मैंने अभी चार अंडे आपको बताया, तो वो दो अंडे इनके ये, मगर इन्होंने पेयर दोबारा से तोड़ दिया था, तो मैं अब दोबारा से लगवा रहा हूँ इनको, जाल में मैंने कर दिया। ये ट्रिक काफ़ी अच्छी काम आ रही है, जाल में कबूतर करने के बाद ना पेयर एकदम लगा रहे हैं कबूतर अपने। और एक इनमें बीमार कबूतर भी है, वो भी यार जल्दी ठीक होने वाला है। और गाइस ये वाला लाल पेयर भी अच्छा खासा अंडों पर ला रहा है, अब देखते हैं यार जल्दी जल्दी अंडे दे दें, क्योंकि अंडे नहीं दे पा रही है।
जल्दी जल्दी यार ये अंडे बच्चे कर दे, खाली 3-4 जोड़ों ने अपने अंडे बच्चे जो है कर रखे हैं। वो देखो सारे कबूतरों में वो भगाओ फिर रहा है, और ये भी जो है उसके पीछे पीछे फिर रहा है। तो मुझे तो लगता है यार ये जल्दी जल्दी अंडे दिलवा देंगे, तो इनको बस डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और गाइज आज का व्लॉग बस ये छोटा सा ही था, क्योंकि आज आपको ये हिंट देनी थी कि हमने अपने कबूतर के पर खोल दिए। क्योंकि गाइज अगर कल को ये कबूतर भाग जाता तो फिर आप सोचते कि यार कहाँ चला गया, वीडियो नहीं बना के दिखाई, तो मैंने दिखा दिए भाई ये कबूतर के पंख तो खोल दिए। बाकी आपको कल को दिखाएंगे, अगर उड़ेगा तो भी आपको वीडियो बनाकर जरूर दिखाएंगे। तो अपने कबूतर सारे मस्त फिर रहे हैं, अब जो है हम इनको अंदर कर देंगे और बंद कर देंगे। तो बस गाइज यही हमारा ब्लॉग था, ब्लॉग पसंद आया तो गाइज लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई और ब्लॉग में कोई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।